करनाल के लघु सचिवालय के सामने चल रहा किसानों का धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसानों के धरने को 10 दिन हो गए हैं। आज भी किसानों ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले किसानों के लिए अनेक घोषणाएं व वायदे किए थे, लेकिन सरकार उस पर कतई खरा नहीं उतर रही है। आपको बता दें कि करनाल के लघु सचिवालय के सामने पिछली 16 अक्टूबर से चल रहे धरने के 10वें दिन सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान किसानों ने सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर किसान नेताओं ने कहा कि मोदी बिहार के चुनाव में किसानों को बिचौलिया बता रहा है, जिसकी निंदा की जाती है। उन्होंने कहा कि किसान धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है और पूरे देश को खाना मुहैया कराता है, उसके बावजूद किसानों के साथ 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाकर केंद्र की सरकार किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जिसका किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान पिछले काफ़ी अरसे से करनाल के लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, परंतु सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही है, जिसके कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी चुनाव के समय हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछले चुनाव में वोट के लिए इन्होंने 15,000 रुपये किसानों को देने का वायदा किया था, जो बिल्कुल झूठा निकला। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था, परंतु अब तक कोई भी किसान हित में सरकार कार्य करते हुए नहीं दिख रही है, जिससे किसानों में गहरा रोष व्याप्त है। आज के प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसानों ने इकट्ठा होकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और कटाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और कटाई है। साडा हक, साडा हक, साडा हक। साहब से और मोदी जी से मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, क्या ये किसान है जो अन्नदाता जो है अन्न पैदा करता है, खिलाने वाला नहीं, उगा परोसने वाला नहीं, उगाने वाला अन्नदाता है। आज उसको इस बात का पता नहीं है कि ये जो आप जो इतनी बड़ी बात कह रहे हो कि भाई नड्डा साहब से, मैं यही बात कहना चाहता हूँ नड्डा साहब, ये जो आज पंजाब में, हरियाणा में, ऑल इंडिया के अंदर जो किसान आए हुए, इनको पता है ये किसी का कांग्रेसी या वैसे नहीं है, ये लोग सिर्फ किसान है और धरने में बैठे हुए। ये किसान आपको एक ऐसी मुंह तोड़ जवाब देंगे, आपको पता लग जाएगा कि झूठी सरकारें जैसे जैसे आपने हटाई है, बढ़ाई है। आपने पहली बार भी ये बात कही थी जब आपने कह रहा था मैं 15,000 रुपया किसानों के खाते के अंदर मैं डालूंगा, तो भोड़े भाड़े किसानों को आपने भरमा दिया था, मगर अब आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है। दूसरी बार आपने कहा था मैं 1.5 गुना समर्थन मूल्य दूंगा और स्वामीनाथन जो की रिपोर्ट को मैं लागू करूंगा, और पहले ही कॉलम के अंदर आपने ये जगह जगह पर प्रचार किया था। उस टाइम भी मोदी साहब आपको हम ये कहना चाहते हैं, उस टाइम भी आपने गुमराह कर और आपने ये वोट दिए थे, मगर दूसरी बात आपने ये बात कही थी हरियाणा के अंदर कि अब की बार हमने आपने दावा डाल दिया था कि 75 पार जो है, अब की बार 75 पार लोगों ने आपको जमुना पार का रास्ता दिखाया है। आगे के लिए अब आपको पता लगेगा। तो संत चालक को मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम को, जेजेपी पार्टी को, कि जब आपके दादाजी जो थे उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ किया, उसी आपके दादा की वजह से आपको वोट मिले थे, ना कि आपको। क्या इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे जो उन्होंने कहा है, प्रधानमंत्री और नड्डा ने जो बात की है? मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल सरासर गलत है जो ये धरना है, किसानों के धरने है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो कहीं भी है, किसान बैठे हैं। ये गमराह मत करो लोगों को, किसानों को पता लग चुका है। कभी आप कहते हो किसी व्यापारी का है, कभी कहते हो कांग्रेसी का, नहीं, ये धरने प्रदर्शन जितने भी हो रहे हैं किसानों के हो रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री होते हुए इसने कोई भी गरिमा का पालन नहीं किया है। 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और 86% में से 55% ऐसे किसान हैं जिनके पास अपना छोटा मोटा भूमि का टुकड़ा है और वो रेंट पे, ठेके पे लेकर के खेती करते हैं। और हम किसानों में से 65% किसान ऐसे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन यापन करने के लिए हम बाध्य हैं। अब ये कहता है कि बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए है, इन्होंने बिहार के लोगों को ये कहता है कि बिचौलियों ख़त्म करने, वहाँ पर 2006 के अंदर है मंडी को ख़त्म कर दिया गया था। आज उनको कितना MSP दिया जा रहा है, आज उनकी क्या फसल खरीदी जा रही है, क्या बिहार का आदमी मजदूर? बिहार में ही प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने ये बात कही है कि जो पंजाब हरियाणा में आंदोलन चल रहा है किसानों का, नहीं, किसानों के पीछे ये बिचौलियों और दलालों को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब
प्रधानमंत्री जी अपनी जो भी कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन दे देते हैं कि आपको ये सवाल पूछने हैं, क्या उसको ये नहीं पता अगर नड्डा और मोदी वहाँ पर खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, ये उनको क्या आप इसके साथ कोई डिबेट करने वाला है नहीं, आप झूठ बोल के चले जाओ। पूरे इंडिया के अंदर जो हरियाणा और पंजाब की स्थिति थी, यहाँ की स्थिति के अंदर इसको ये लगता था भाई ये लोग एक बड़ा आंदोलन आपके खिलाफ खड़ा कर सकते हैं, आपकी हर चाल को समझते हैं, हमारे को वो बंधुआ मजदूर बना करके अंबानी और अडानी के साथ उनके बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है, इस जमीन पे उनका कब्जा करवाना चाहता है, लेकिन जिस जमीन को है अपने मुगलों से बचाया, हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत करके उस चीज उसको समतल बना करके कृषि योग्य बनाई है, मोदी क्या चीज उसके लिए, हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम अपनी कुर्बानी देने के लिए, अगर मोदी ने कानून वापस नहीं लिया तो कुर्बानी उसकी लेने के लिए भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.